अस्सलाम वालेकुम। कल रात में जो है संगारेड्डी से थोड़ी दूर पर 20 किलोमीटर आगे कंदी विलेज है, कंदी, वहाँ पर जो है एक मस्जिद में वहाँ के मुकामी ZPTC मेंबर और एक लेडी सरपंच और कुछ फ़िरका परस्त अनासिर जो है उस मस्जिद में, गैराबाद मस्जिद थी वो मस्जिद में जो है कुछ गेरू कलर करके और एक गेरू कलर का झंडा लगाकर दशहरे की पूजा के नाम पर उस मस्जिद पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। कल रात में 3:30 बजे वहाँ के मुकामी लोग मुझे इतला किए और जैसे ही इतला हुई मैं रात में ही जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस संगारेड्डी को मैसेज किया और आज सुबह में मसीउल्लाह साहब वक्बोर्ड चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शाहनवाज कासिम और विजिलेंस ऑफिसर वक्बोर्ड को तमाम को इतला किया। वक्बोर्ड की सारी एक टीम निकली है अभी और मैं भी अभी आप देख सकते हैं कि हाईवे पर हूँ, संगारेड्डी कुछ ही देर में पहुँचूँगा मैं और जैसा ही संगारेड्डी पहुँचने के बाद में कंदी विलेज का हम दौरा करेंगे और मुकामी पुलिस स्टेशन में और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, कलेक्टर, ये तमाम से कंप्लेंट भी करेंगे। आए दिन तेलंगाना में जो है फिरका परस्ती बढ़ते जा रही है। KCR साहब, आपसे तेलंगाना नहीं संभल रहा है, आप जो है भारत संभालने की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान की सियासत में दाखिल हो रहे हैं, यहाँ पर आपके पैरों में से ज़मीन निकलते जा रही है, रोज़ाना आपके ही पार्टी के कोई ना कोई वार्ड मेंबर या ZPTC मेंबर या सरपंच TRS पार्टी के लोग ही जो है फिरका परस्ती कर रहे हैं और BJP को बढ़ावा दे रहे हैं। तो मेरा मुतालबा है कि पहले तो आप घर को संभालिए, बाद में फिर पूरे हिंदुस्तान की बात देखेंगे। तो इंशाल्लाह देखिए क्या होता है। मैं हमारे मंजलिस बचाओ तहरीक के जो सदर है संगारेड्डी के और कोहिर के तमाम लोगों को इतला किया हूँ, मैं आ रहा हूँ वहाँ पर कंदी विलेज पर हम जाएंगे और उस मस्जिद को दोबारा आबाद करने की कोशिश करेंगे। यार जिंदा सोबत बाकी।